हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर जीवन और आज बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। सो आपको पता है ना, ये जो पिंपल्स क्यों होते हैं स्किन पे, आपको ब्यूटीफुल बहुत अच्छा क्यों नहीं दिख सकते, चाहे मेल हो फीमेल हो ही हो शी हो, व्हाई इज नॉट लुक लाइक ए ब्यूटीफुल और जेंटलमैन। सो बेसिकली ये जो किल मुहासे जो होते हैं ना, इसका बहुत ही बड़ा रीजन होता है, जिससे कि क्या होता है कि आप एकदम चेहरा अच्छा नहीं दिखता है ना, और अच्छा दिखता नहीं है ना, तो इफ यू आर नॉट सीइंग ब्यूटीफुल देन इट्स वेरी लाइक पर्सनालिटी पे असर करेगा आपका। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट अगर आपको नहीं मिलेगी ना, तो बॉडी को जितने जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको है ना ये मुहासे या जो पिंपल्स है ना वो आने की समस्या होती है। और ये मुहासे आते हैं तो देट इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर लाइक जो भी यंगस्टर हैं उनके लिए, तो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल कौन नहीं दिखना चाहता है, सबको सुंदर दिखना है ना, और सुंदर दिखने के लिए लोग है ना कितना मतलब वो करते हैं, खर्चा भी करते हैं और ट्रिक्स भी अपनाते हैं। तो मुहासे कभी कभार निकलते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को क्या होता है सीजनल होते हैं, या फिर जो लोग रसोई का काम करते हैं, तो उनको अगर ये मुहासे निकलते हैं, तो अगर आज अपन बात करेंगे घरेलू या जो नेचुरल जो ट्रिक्स है ना उनके बारे में, और अगर आपको एलोपैथिक के बारे में जानना है तो प्लीज आप कमेंट करिए कि आई हैव अ पर्सनल गाइड यू रिगार्डिंग कॉस्मेटिक एंड ड्रग थेरेपी फॉर यूर पिंपल्स। सो अगर आप होम रेमेडीज यूज में लेना चाहते हैं तो नियर अबाउट आप एक सप्ताह में इससे बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगा सकते हैं, टी ट्री ऑयल। जो टी ट्री ऑयल होता है वो मुहासों के लिए वरदान होता है, आपको ब्यूटीफुल बहुत ही ज्यादा दिखेंगे, और एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, बेसिकली जो स्किन पे जो फंग जो वायरस होते हैं ना उनको खत्म कर देते हैं। इसके एक दो ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद में बर्फ का टुकड़ा अगर आप इस पे घुमाएंगे तो पिंपल्स पे बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा आपको। और जो जो तेल होता है ना ऑयल ग्लैंड, जो पिछले वीडियो में बात करी थी, उनको ज्यादा असिस्ट या जो ड्रॉप है ना वो बनने नहीं देगा। उसके बाद में नीम की पत्तियां को मुंह से धोना चाहिए आपको, क्योंकि तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का काम करता है। उसके बाद में भाप विधि, अपना स्टीमर लगाइए, स्टीम जो कोरोना में बहुत ज्यादा काम मिल जाता है ना, पड़ा होगा घर पे, तो आप प्लीज आप उसको यूज भी कीजिए। दालचीनी खाइए भी और लगाइए भी, दैट इज मोस्ट ऑफ आर बेनिफिशियल। हाँ, कभी कभार कोई ओकेजनली सलाह देते हैं टूथपेस्ट तो लगा सकते हैं, यस यू कैन। और सबसे बेस्ट आप संतरे जो लाते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा पार्ट संतरे के छिलके के रूप में मिलता है ना, तो आप वो लगाइए, वो बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है। और तो बस ठीक है, अगर आप एलोपैथिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन दूंगा ड्रग थेरेपी के बारे में, कॉस्मेटिक थेरेपी के बारे में, और कुछ अनादर थेरेपी होगी और कोई ट्रेडिशनल मेथड होगा तो मैनेजमेंट के लिए, तो वो अपन यूज में लेंगे, और कोई ज्यादा ट्रिक्स नहीं लेने वाले हैं। सो थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय जय राजस्थान।